हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं काफ़ी अच्छा काफ़ी बेहतर प्लान है। अगर आप ये प्लान पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, क्योंकि प्लान जहां तक है फुल डिटेलिंग प्लान है। प्लान की लंबाई चौड़ाई 48x40 है, आप इसे 50 के बीच में भी बना सकते हैं। तो यहां पर आपको टोटल डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि पोर्टिको का डिज़ाइन है सामने में, और टोटल डायमेंशन है, कॉलम मार्किंग क्या होगा नहीं होगा हम आपको टोटल चीज़ें बताएंगे। अपने आइडिया ग्रो के लिए देखिए 5 बेडरूम का अच्छा प्लान है, टोटल चीज़ें। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। प्लान की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे आते हैं यहाँ पर पोर्टिको है। पोर्टिको का जो लेंथ इंटू विड्थ 17x19 है, तो ये पार्टी का जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चीज़ें। तो ये पोर्टिको है और यहाँ पर आपका मेन इंट्रेंस होगा, ये एरिया जो है ये आपका मेन इंट्रेंस होगा, ये ठीक है। ये मेन ट्रेन से आप सीधे आ जाइए बरामदे पे। साइज़ ऑफ बरामदा क्या हुआ हम आपको बता देते हैं। बरामदे का ज़्यादा बड़ा साइज नहीं, यहाँ से यहाँ तक 9 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह आपका 17 फीट 4 इंच है, क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरह से रखी गई है कि मान लीजिए कि अगर फर्स्ट फ्लोर को आपको रेंट पर लगाना है, या 2 भाइयों के बीच में, 3 भाइयों के बीच में, 4 भाइयों के बीच में चीज़ें फ्लोर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एज़ पर फ्लोर वाइज चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, क्लियर है। और यहाँ पर स्टेयर है, स्टेयर के जो विड्थ है वो 8 फीट 2 इंच है, एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट 6 फीट में भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन बरामदा था तो इसलिए अब यहाँ पे 9 फीट पकड़ रहा है क्योंकि आउटर फेस से पकड़ रहा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने तो आते हैं सीधे पहला जो बेडरूम है उस बेडरूम पर आते हैं। वो बेडरूम 1 फेस 12 फीट 6 इंच है, दूसरा फेस यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 फीट 7 इंच है, अच्छा साइज़ है। उसके सामने में एक और बेडरूम है, इस बेडरूम में आते हैं। इस बेडरूम का लेंथ इनटू विड्थ क्या है वो आपको बता देंगे, 14 फीट 4 इंच यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 13 फीट 2 इंच है, क्लियर है चीज़ें। आगे आते हैं तो आगे इसका लंबाई गुणे चौड़ाई क्या वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 14 फीट 7 इंच है, और दूसरा जो एक लेंथ फेसिंग है वो आपको हम बता देते हैं, यहाँ से लेकर 10 फीट 10 इंच है, क्लियर है चीज़ें। उसका ये जो एरिया है इसकी लंबाई गुने चौड़ाई क्या है वो बता देते हैं। लिविंग हॉल सेंटर में 17 फीट 9 इंच यहाँ से यहाँ तक है, और दूसरा ये जो हॉल का एक फेस है 19 फीट 2 इंच है, क्लियर है। फिर हम लोग आते हैं इस बेडरूम में, यानी कि ये जो एक बेडरूम है सामने में साइड में है, ठीक है, उस बेडरूम में आते हैं। इस बेडरूम का जो साइज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 13 फीट 2 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो बेडरूम है आपका एक फेस जो है 14 फीट 7 इंच है। बाथरूम है, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट था कि एक ही बाथरूम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, कॉमन चाहिए, इसलिए बाथरूम यहाँ रखा गया, और बड़ा बाथरूम है तो इसे आप 2 भी बना सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा है। 7x7 फीट 7 इंच एक फेस है, दूसरा फेस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 9 फीट 9 इंच का है। किचन सेंटर में है जो 9x9x9 स्क्वायर किचन है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं इस एरिया में, यहाँ पर जो साइज़ है आपका इस बेडरूम का ये 14 फीट 7 इंच है एक फेसिंग, दूसरा फेसिंग जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 14 फीट 2 इंच है। प्लान काफ़ी क्लियर है। देखिए स्क्रीनशॉट मारना आप ऐसे ही मार सकते हैं, लेकिन डिटेलिंग जो हम बताएंगे चीज़ें आपको, वो आपकी जो चीज़ें क्लियर होंगी वो आपकी कहीं पर होगी नहीं, ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा विंडो का जान लीजिए, विंडो 5x4 यहाँ से यहाँ तक 5 फीट है, एक हाइट जो है वो लिंटर लेवल वाला एरिया वो 4 फीट, यानी 5x4 में विंडो का डिज़ाइन है। आउटर जितनी वाला है बाहर की 10 इंच या पार्टीशन 5 इंच की है। एक चीज़ हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे, अगर सब्सक्राइबर आप जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे, एक समय के बाद जो भी आपका रिक्वायरमेंट कमेंट सेक्शन में होगा वो वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, आपको PDF सेंड करेंगे, उसका वीडियो सेंड करेंगे। तो उसके लिए आपको करना है कि सब्सक्राइबर ग्रो करना है, तभी हमको समझ में आया कि आप हमारे वीडियो में कितने इंटरेस्टेड हैं, तभी हम आपके लिए अच्छे से अच्छा प्लान लेकर आ पाएंगे, ठीक है। उसके देखिए हमेशा याद रखिए घर ज़िंदगी में एक दफ़ा बनता है, और जो भी आप देखते हैं एरिया में कॉन्ट्रेक्टर काम कर रहे हैं, चीज़ों को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी कमाई घर में लगती है और टोटल चीज़ें आपकी फंस जाती हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। घर कभी बनवाएं इंजीनियर की देखरेख में बनवाएं, कॉन्ट्रेक्ट जो भी टेक्निकल टर्म है वो इंजीनियर के द्वारा करें, ये चीज़ों के। उसके बाद देखिए ये जो प्लान है आपका, इसमें एक चीज़ और है कि कॉलम मार्किंग है। कॉलम मार्किंग अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको बताते हैं। देखिए चलिए कॉलम मार्किंग, कॉलम कहाँ कहाँ और क्या क्या है देख लीजिए। कॉलम का जो हिसाब है, यानी कि एक कॉलम ये आपने देख लिया, फिक्स है कॉलम, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा कॉलम ये है, तीसरा ये हिस्से पर है, और ये जो ये कॉलम आएगा ये आएगा। रीज़न है ये 10x10 का कॉलम, ज़्यादा हेवी नहीं है क्योंकि घर G+1 के हिसाब से डिज़ाइन है, ठीक। तो ये है, उसका एक कॉलम यहाँ है। तो कॉलम यहाँ पर बहुत सारा आप स्किप कर सकते हैं, बहुत सारा ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी कॉलम वो आपको हम शो कर रहे हैं, ठीक है। एक कॉलम यहाँ है, ठीक, और एक कॉलम ये, क्लियर है चीज़ें,
समझ में काफ़ी अच्छे से पॉइंट आपको आ रहा है कि कॉलम जो हमने यहाँ यहाँ लिया और किस तरह से है, कनेक्टिविटी कॉलम की काफ़ी अच्छी है, वो टोटल चीज़ है। ठीक है, फिर आते हैं हम अगले हिस्से में, बताते हैं एक कॉलम आपका ये है, ये एक कॉलम यहाँ है। ठीक है, उसके बाद आपका जो एक कॉलम है ये आपका इस फेसिंग में इस रूम के लोड के लिए है, रूम का स्पैन बढ़े टूटे और यहाँ से इसको अल्टरनेटिव करके शो किया गया। एक कॉलम ये रख लीजिए, एक कॉलम आप ये रख सकते हैं और एक कॉलम यहाँ है और एक कॉलम आपका ये है। ठीक है, काफ़ी क्लियर है मेनली। देखिए यहाँ पर अगर 12 फीट 6 इंच है तो अगर यहाँ पर आप हर पार्टीशन पे कॉलम का इस्तेमाल कीजिएगा तो थोड़ा वेस्टेज होगी चीज़ है, यानी कॉस्ट जाएगा। अभी देखिए अगर आप करते तो यहाँ पर हमने एक कॉलम का एक ब्लैंकेट एरिया बनाया कि अगर कॉन्ट्रेक्टर या कोई करते हैं एक अननोन आइडिया प्लान से तो आप यहाँ देते यहाँ देते, एक कॉलम का मिनिमम कॉस्ट 10,000 के आसपास होता है। तो आप देख लीजिए 1, 2, 3 एक मैंने चीज़ें देखा है, 1 या 4 आप ऑटोमेटिक 4 कॉलम का प्लेस करते ही यानी लमसम 40,000 के एक फ़र्क आपके पास नज़र आता। तो इसलिए हम आपको इस चीज़ों को दिखाने के लिए मार्किंग करके रखे थे। घर ज़िंदगी में एक दफ़ा बनता है, घर रोज़ नहीं बनता है, घर हमेशा टेक्निकल टर्म और ये पेड सर्विस है। अगर आपको अपने हिसाब का प्लान बनवा तो काफ़ी कम रकम है, पेड सर्विस है तो आप ज़रूर कॉल कीजिए, आपकी चीज़ें हैं। क्योंकि हमने एक चीज़ आइडिया प्लान बताया है क्योंकि इसमें और चीज़ें बढ़ेगी घटेगी, बीम प्लान आएगा, कॉलम प्लान आएगा, लाइट, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो चलिए वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।